हेलो डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बायोमॉलिक्यूल पार्ट नंबर 6। आज हम लोग बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल के पार्ट नंबर 6 के लेक्चर में, और आज का हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोटीन। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन कैसे बना होता है, और मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन होता है ये बहुत सारे एमिनो एसिड जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जब जुड़ते हैं, जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, वो सभी मिलके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि प्रोटीन कितने टाइप्स का होता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोटीन को बनाने के लिए 20 टाइप्स के एमिनो एसिड की नीड होती है, जिसमें से 10 एमिनो एसिड जो होता है वो हमारे लिए इसेंशियल होता है, एंड 10 एमिनो एसिड जो होता है हमारे लिए नॉन इसेंशियल होता है। ये भी बात मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो देखिए, प्रोटीन मेनली 3 टाइप्स का होता है, 3 तरह का प्रोटीन होता है। फर्स्ट अगर आप देखेंगे उसको कहते हैं सिंपल प्रोटीन, सेकेंड नंबर वाले प्रोटीन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, एंड थर्ड वाले प्रोटीन को आप कह सकते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन का मतलब होता है जिसमें केवल प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स ही पूरी तरह से स्पेशली सब पाए जाते हैं। अगर केवल प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे उसको कहेंगे सिंपल प्रोटीन, और अगर आप कॉम्प्लेक्स वाले का बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन यानी कि जटिल प्रोटीन के बारे में जब बात करेंगे, तो जटिल प्रोटीन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। और इसमें आप अगर देखेंगे तो प्रोटीन के साथ साथ कुछ एपोप्रोटीन भी जुड़ते हैं, एपोप्रोटीन मीन्स उनके साथ कुछ ना कुछ आके अटैच हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें डिराइव प्रोटीन के बारे में, तो डिराइव प्रोटीन आपको मैं बता दूं कि जो ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स ऑक्सीडेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैं इसको आपको समझाऊंगा अच्छे से, फिर आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए, इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल जो प्रोटीन होता है, इन दोनों के ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बनता है डिराइव प्रोटीन। और इनका टाइप्स भी है, सब टाइप्स के बारे में हम लोग को समझना है एक एक पार्ट। बच्चों, इसका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सो आप जितना भी देख रहे हैं सब ये पार्ट, और इसके साथ साथ जितने भी टाइप्स हैं और कौन कौन से टाइप्स में इसके टाइप्स हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इसको आप लोग लिसन केयरफुली और अच्छे से इसको समझिए। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रोटीन के बारे में। तो सिंपल प्रोटीन आपको मैं बता दूं, सिंपल प्रोटीन मैंने आपको बताया कि केवल प्रोटीन के मॉलिक्यूल से ही बने होते हैं। देखिए, इट इज मेड अप ओनली प्रोटीन विच आर फॉर्म बाय एमिनो एसिड, मतलब कि एमिनो एसिड सब मिलके एक स्पेशली प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, उसी प्रोटीन को हम लोग क्या कह सकते हैं सिंपल प्रोटीन। और अगर आप देखेंगे तो सिंपल प्रोटीन भी 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, देख सकते हैं एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, और एक फाइब्रस प्रोटीन होता है, ठीक है। एक ग्लोब्यूलस का मतलब होता है गोलाकार प्रोटीन, और अगर आप फाइब्रस को देखेंगे, इसको हिंदी में कहा जाता है तंतुवत प्रोटीन, यानी कि वो स्ट्रक्चर में कैसा होगा, गोल होगा, और ये स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे फिलामेंटस होगा, मीन्स धागे के जैसे होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन अगर आप देखेंगे, ये हमेशा जो साल्ट होता है, साल्ट मतलब जो नमक होता है यानी कि क्षार जो होता है, उसके अंदर ये पूरी तरह से सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल का मतलब होता है पूरी तरह से उसमें घुल सकता है, ठीक है। मीन्स देखिए, दीज आर सॉल्युबल इन साल्ट सॉल्यूशन, यानी जितने भी साल्ट सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर ये पूरी तरह से सॉल्युबल होता है, उनके अंदर घुल सकता है। दीज आर लुक लाइक ग्लोब्यूलर से, मतलब कि ये गोलाकार संरचना के रूप में आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन, एंड यू नो वेरी वेल के एल्ब्यूमिन कहाँ पाया जाता है, एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड के अंदर भी प्रोटीन का काम करता है, एंड साथ ही साथ जो एल्ब्यूमिन आप नाम सुन रहे हैं, एल्ब्यूमिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि पाया जाता है जो एग होता है, एग के योक के अंदर, एक जो आप देख रहे हैं ना, एग के अंदर प्रोटीन जो होता है वही होता है एल्ब्यूमिन। देखिए, इट इज फाउंड इन एग एंड ब्लड, मतलब कि हमारे ब्लड के अंदर और जो हैन के जो एग्स होते हैं या किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है जो कि ओवीपैरस है, मीन्स जो अंडे देते हैं, उनके अंडे के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन जरूर होता है। एक और बात याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जितने तरह के एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। याद रखिएगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है।
सेकेंड नंबर बात करेंगे ग्लोबिन का, तो ग्लोबिन में अगर आप देखेंगे तो इसमें एग्जाम्पल आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को अगर आप ब्रेक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है, किससे किससे, एक होता है हीम प्लस एक होता है ग्लोबिन। ठीक है, तो हीम का मतलब क्या होता है, हीम का मतलब होता है बच्चों आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, तो ग्लोबिन तो मैंने अभी आपको बता दिया, ग्लोबिन यहाँ पे एक तरह का प्रोटीन है, और हीम का मतलब होता है आयरन, मींस आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से आप देखेंगे ब्लड का जो कलर होता है बच्चों वह रेड कलर का होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे बात करेंगे हिस्टोन। हिस्टोन इसमें आप देखेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन, जिसमें न्यूक्लियोसोम के बारे में भी मैंने आपको समझाया था, शायद आप लोग को याद हो, बाकी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद से आते हैं कुछ इसमें हार्मोन्स में आता है थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन। थायरॉक्सिन इंसुलिन के बारे में जानते ही हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से। एंड जो इंसुलिन आप देख रहे हैं, इंसुलिन जो हमारे बॉडी के अंदर पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज के अंदर से इंसुलिन हार्मोन सिक्रिट होता है, इस बात को याद रखिएगा। और इंसुलिन की कैपेसिटी अगर हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, देन हम लोग बहुत डेंजरस तरीके से बीमार पड़ सकते हैं। और अगर इंसुलिन की डिफिशियंसी होगी, देन हमारे बॉडी के अंदर शुगर जो होता है, यानी कि डायबिटीज डिजीज आपको हो जाएगा। ठीक है, 100%। अब देखिए एंटीबॉडी, एंटीबॉडी में क्या क्या आता है, एंटीबॉडी एक तरह का ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। ठीक है, एंड अगर देखेंगे प्रोलेमिन्स, ये किस में होता है, क्रेल्स, मतलब कि जो दाल होते हैं उनके अंदर ये प्रोटीन मीन्स प्रोलेमिन्स पाया जाता है। एंड नाउ अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बारे में। ये था ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो कि स्फेरिकल शेप में होता है और क्या होता है, सॉल्युबल इन साल्ट, यानी साल्ट में ये पूरी तरह से सॉल्युबल होता है, और ये गोलाकार संरचना के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबिन, हिस्टोन, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडी एंड प्रोलेमिन्स। ठीक है, इतना हम लोगों ने जाना किसके बारे में, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बारे में, तो आइए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स से पहले अभी एक और प्रोटीन था हमारा फाइब्रस प्रोटीन, आइए उसके बारे में भी समझ लेते हैं, फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स समझते हैं। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि ये पानी के अंदर नहीं घुल सकता है। दीज आर लार्जर एंड सिलेंड्रिकल शेप, मतलब कि ये बहुत बड़े होते हैं, और सिलेंड्रिकल यानी लंबवत होते हैं, और बेलनाकार के रूप में भी ये पाए जाते हैं। दीज आर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी, ये बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। याद रखिएगा, जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ये बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि एक्टिन एंड मायोसिन क्या बनाता है, हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां जो होती हैं उनकी, उनको ये बनाने में मदद करता है, मीन्स मसल्स प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन को बनाने में ये हेल्प करता है। फाइब्रिन, फाइब्रिन का काम क्या होता है, फाइब्रिन जो होता है हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, ये भी एक तरह का प्रोटीन होता है। फिर कोलेजन, इलास्टिन, ये हमारे पाए जाते हैं बोन में, जो बोन होता है हड्डियों के बीच में जो कांड्रा पाया जाता है उनके अंदर ये पाया जाता है। केराटिन, केराटिन आप लोग जानते ही हैं, केराटिन नेल में, केराटिन भी एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि नाखून में यानी कि नेल में और हेयर में पाया जाता है, और यही वजह है केराटिन के प्रेजेंस के वजह से उनको अगर आप कट करते हैं तो आपका नेल या हेयर दर्द नहीं करता है, पेन नहीं करता है, इस बात को याद रखिएगा। ये था सिंपल प्रोटीन, आप लोगों ने समझा सिंपल प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, सिंपल प्रोटीन में आपने एग्जाम्पल भी जाना कि एक्टिन, मायोसिन, फाइब्रिन, कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन, ये सारे के सारे प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। और अगर आप देखेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन में, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में मैंने आपको बताया था एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, हिस्टोन, हार्मोन्स, एंटीबॉडी एंड प्रोलेमिन्स, ये सारे के सारे होते हैं ग्लोब्यूलर। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बारे में। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मैंने अभी आपको बताया है, सिंपल का अगर बात किया जाएगा तो सिंपल केवल प्रोटीन से बना होता है, बट जो कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और एपो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे समझिए, इट इज मेड अप बाई प्रोटीन एंड एपो प्रोटीन विच इज कॉल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्पेरिक ग्रुप, जिसको प्रोस्पेरिक ग्रुप भी कह सकते हैं, उससे मिलकर ये बना होता है। मतलब प्रोटीन तो होगा ही, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ इसके साथ क्या है, प्रोस्पेरिक ग्रुप भी आके ऐसे अटैच हो जाएगा। दो अगर अटैच है इनको कहेंगे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, यानी कि जटिल प्रोटीन। अब इसमें आइए हम लोग एक एक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो न्यूक्लियो प्रोटीन है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या है,
तो इन दिस प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसके अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है न्यूक्लिक एसिड होगा। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप लाइन से देखेंगे कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप कहाँ पे होता है, तो ये इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए क्रोमेटिन, राइबोसोम्स, ईटीसी। उसके बाद से क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन में देखेंगे इसके अंदर प्रोस्थेटिक जो ग्रुप होता है पिगमेंट होता है। पिगमेंट, पिगमेंट क्या है, देखिए हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड को रेड करने में हेल्प करता है। हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन आपको मैं बता दूं कि हीमोसाइनिन जो पिगमेंट होता है ये पाया जाता है किसके अंदर, जितने भी जैसे मान लीजिए इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट जिनके अंदर ब्लड जो होता है पूरी तरह से ब्लैक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। जैसे एक और मैं आपको बता दूं मोलस्कस में एक एग्जांपल आता है ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस का अगर आप ब्लड देखेंगे तो वो ब्लू कलर का होता है। व्हाई? ड्यू टू दिस, मीन्स हीमोसाइनिन के वजह से उनका जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है। और अगर आप कॉकरोच को देखोगे, कॉकरोच का ब्लड जो होता है व्हाइट कलर का होता है। व्हाई? व्हाइट कलर का इसलिए होता है बिकॉज उसके अंदर हीमोसाइनिन होता है। इसको याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन होगा तो ब्लड रेड, हीमोसाइनिन होगा तो रेड को छोड़ के किसी भी कलर का हो सकता है। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स H12 आप देखे होंगे, ये आप फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में साइटोक्रोम का नाम जरूर सुने होंगे। ETC और भी बहुत सारे आएंगे। अब आता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब होता है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मींस इसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ, मतलब कि ये ऐसा प्रोटीन होता है जिसके अंदर प्रोस्थेटिक जो ग्रुप होता है फैट होता है। फैट यानी कि लिपिड, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, सेल मेम्ब्रेन जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है उसका प्रोटीन, एंड मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन के बारे में आप लोग जानते होंगे अच्छे से, जिसको केसीन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। एंड नाउ अब हम लोग बात करेंगे लेसिथो प्रोटीन के बारे में, जिसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, लेसिथिन। अगर लेसिथिन प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा उसको लेसिथो प्रोटीन कहेंगे। जैसे फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन भी होता है जो हमारे ब्लड के अंदर होता है जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एंड योक, ETC और भी बहुत सारे आ जाएंगे। योक का मतलब होता है जर्दी, अंडे के अंदर जो जर्दी होता है उसको योक बोला जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, उसके बाद से फास्फो प्रोटीन। फास्फो प्रोटीन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, फास्फेट ग्रुप। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिल्क प्रोटीन जिसको केशिन के नाम से जानते हैं, देखिए केशिन प्रोटीन यहाँ भी आएगा एंड यहाँ भी आएगा, याद रखिएगा। एंड एग प्रोटीन, एग प्रोटीन का मतलब होता है एल्ब्यूमिन, जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में, अभी आप लोगों ने तुरंत पढ़ा है, ठीक है, वो होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। समझ में आ गया, जैसे यहाँ पर देखिए एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गया जो कि एग और ब्लड में होता था, वही सेम टू सेम यहाँ पे एग में एग प्रोटीन का मतलब हो गया एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और भी बहुत सारे होते हैं। ग्लाइको प्रोटीन का मतलब होता है जिसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल म्यूसिन एंड हिपेरिन, म्यूसिन एंड हिपेरिन। हिपेरिन के बारे में आप लोग जानते होंगे, हिपेरिन हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं हिपेरिन। ETC और भी आ जाएंगे। अब देखिए मेटेलो प्रोटीन, मेटेलो प्रोटीन का मतलब होता है जिसमें मेटल ग्रुप या मेटल मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, जिसको लौह अणु के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि फेरिटिन जिसको आयरन के नाम से हम लोग जान सकते हैं। तो ये था बच्चों क्या, तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। अब लास्ट हम लोग बात करेंगे डिराइव प्रोटीन के बारे में। तो डिराइव प्रोटीन क्या होता है, यानी कि व्युत्क्रम प्रोटीन क्या होता है। दीज आर फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, मतलब कि ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के ऑक्सीडेशन क्रिया के द्वारा ये बना होता है, जिसको हम लोग डिराइव प्रोटीन के नाम से जानते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज हाफ प्रोटीन, इनको आधा प्रोटीन कहा जाता है। समझ जाए, क्योंकि 50-50% का चांसेस होता है ना। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीज, नेक्स्ट पेप्टोन्स, नेक्स्ट पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड और भी बहुत आते हैं, ETC, ये सब आते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन मैंने आपको बताया था कि तीन तरह का होता है। पहले मैंने आपको बताया कि एक होता है सिंपल प्रोटीन यानी सरल प्रोटीन होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन यानी कि जटिल प्रोटीन होता है, तीसरा जो होता है डिराइव प्रोटीन यानी कि व्युत्क्रम प्रोटीन होता है। मैंने आपको बताया सिंपल प्रोटीन जो केवल प्रोटीन से ही स्पेशली बना हो उसे सिंपल प्रोटीन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, ये सारे के सारे प्रोटीन इसके अंदर अंदर आ जाएंगे। ये दो तरह का होता है, ग्लोब्यूलर होता है और एक और मैंने आपको बताया ग्लोब्यूलर और एक बताइए ग्लोब्यूलर होता है एंड दूसरा होता है फाइब्रस या फिलामेंटस भी कह सकते हैं आप लोग, तंतुवत, हिंदी में तंतुवत कहेंगे, इसको हम लोग गोलाकार कहेंगे। समझ में आ गया।
जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये प्रोटीन और एपो प्रोटीन मतलब कि दूसरे और ग्रुप से ये मिलकर बने होते हैं, मतलब दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियो प्रोटीन, क्रोमो प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद से लिपो प्रोटीन मैंने आपको बताया, फिर लेसिथो प्रोटीन, फास्फो प्रोटीन, फिर ग्लाइको प्रोटीन, मेटालो प्रोटीन, ये सारे के सारे प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद से मैं बात किया डिराइव प्रोटीन के बारे में। डिराइव प्रोटीन क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था, जो सिंपल प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन दोनों के ऑक्सीडेशन से मिलकर बना होता है उसे कहा जाता है डिराइव प्रोटीन। डिराइव प्रोटीन को हम लोग हाफ प्रोटीन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीएज, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, एमिनो एसिड एक्सेट्रा, इतना मैंने आपको बताया। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। पहला मेरा क्वेश्चन है कि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम क्या है, ठीक। एंड सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है कि हमारा जो बॉडी है ब्लड वो रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, बट और भी जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए ऑक्टोपस, उसका ब्लड ब्लू कलर का होता है, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, मीन्स रेड को छोड़ के अनदर कलर का ब्लड किस प्रोटीन के वजह से होता है और वो कौन से प्रोटीन का टाइप है। ये दो क्वेश्चन के आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दे दिया कीजिए, दे दीजिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।